अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 110। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे एक मैकेनिकल पुली आप किस तरह डिज़ाइन करते हैं और उसमें सर्कल और रेडियस वगैरह आप किस तरह अप्लाई करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो आपको ये नज़र आ रहा होगा। आज के लेसन में हम ये चीज़ ड्रॉ करेंगे जो कि ईजी है, दिखने में आपको डिफिकल्ट लग रही होगी लेकिन बहुत इजी इजी मेथड से आप इसे बना सकते हो। तो इसके लिए जो नॉर्मल है वो क्या है हमारे पास जी, एक आपको रेडियस है और डायमीटर है, बस इसके अलावा इतना खास कुछ भी नहीं है इसमें। तो मैं यहाँ से ड्राइंग लेता हूँ और मैं सर्कल सी एंटर करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले सी एंटर। तो मैं यहाँ से पहले देखता हूँ जी, सर्कल में जो रेडियस है वो कितना है, रेडियस 7.5 है, 7.5 है। तो नॉर्मल शुरू में आप रेडियस ही देते हैं, तो रेडियस से 7.5 एंटर कर दें आप, फिर सर्कल लें इसके सेंटर पॉइंट से और यहाँ पे डायमीटर देखें इसका कितना है। तो सर्कल का डायमीटर है 0.5.0 आई थिंक, डायमीटर है 5.0। तो डायमीटर के लिए डी एंटर, डायमीटर कितना है जी, 5.0। ओके, बस अब इसी में जो काम करना है वो क्या काम है जी, लेंथ है 30 और सेंटर से आप इसे ड्रॉ करेंगे और लेंथ है इसकी 30। ओके, बस यहाँ से आपने क्या करना है, इसको एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक व्यू में ले आता हूँ मैं और इसको रोटेट करता हूँ। रोटेट के लिए आर ओ एंटर सेलेक्ट करें, स्पेस सॉरी, रोटेट के लिए आर ओ टी, रोटेट 3D हम कर रहे हैं, रोटेट 3D, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें स्पेस और यहाँ से इसको 90 के एंगल में रोटेट कर लें। रोटेट करने के बाद अब इसमें मैंने जो काम करना है वो क्या है जी, अपना जो डायमीटर है वो मैं इसको देता हूँ, वो है जिसका अपना यहाँ पे 15 है, 15 बाहर है यहाँ से और 30 यहाँ पे इस तरह। ओके, तो 15 है तो मैं इसको यहाँ से प्रेस पुल कमांड की मदद से फिफ्टीन ले लिया उन्हें। अब यहाँ से इसको जो बाहर की तरफ में लेके जा रहे हैं तो वो है जी आपका बाहर 15 है और 30 अंदर वाली साइड पे, प्रेस पुल कमांड है बाहर 15 और यहाँ से जो अंदर है वो 30। शेड देता हूँ, देखिए अब इसको मैं देखता हूँ ज़रा इसमें कैसा बना है हमारे पास ऑब्जेक्ट रियलास्टिक में। तो देखें आपका ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया, देख सकते हैं, तो यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, वही चीज़ है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपका ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया जो कि बहुत तेज़ी ऑब्जेक्ट था। देखिए तो आपका ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। अब इसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने यहाँ से खाली करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ से जो कमांड है शेल कमांड आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे खाली नहीं करना चाह रहा, तो बस मेरे पास ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।